एमपी के खंडवा जंक्शन पर आरपीएफ पुलिस ने 3,20,00,000 रुपए के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों को महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन से गिरफ्तार किया गया। दोनों ही बनारस से मुंबई जा रहे थे। तलाशी में उनके सामान से आरपीएफ पुलिस ने 3,20,00,000 रुपए बरामद किए। पकड़ाए गए रुपए में सभी 2,000 के नोट हैं। आरपीएफ पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया। आपको बता दें कि खंडवा जिले में लोकसभा उपचुनाव के चलते आचार संहिता लागू है, जिसके चलते आरपीएफ पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन माना जा रहा है कि इस पैसे से चुनाव को प्रभावित किया जा सकता था। खंडवा जिले में लोकसभा उपचुनाव होने से आचार संहिता लागू है, ऐसे में आरपीएफ पुलिस भी सतर्कता बरत रही है। आरपीएफ पुलिस को सूचना मिली कि महानगरी एक्सप्रेस से दो संदिग्ध व्यक्ति कुछ संदिग्ध वस्तु लेकर यात्रा कर रहे हैं। सूचना पाते ही आरपीएफ की संयुक्त टीम ने महानगरी एक्सप्रेस में तलाशी शुरू की। महानगरी एक्सप्रेस में एसी कोच B1 में दो संदिग्ध व्यक्ति मिले, जिनके पास दो ट्रॉली बैग थे। पूछताछ में जब जानकारी नहीं दे पाए तो उन्हें आरपीएफ थाने लेकर तलाशी ली गई। जैसे ही बैग खोला गया तो उसमें 2,000 के नए नोट भरे हुए थे। सख्ती से पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो ये पैसा बनारस से मुंबई ले जा रहे थे। उन्हें ये पैसा एक सुनार ने दिए हैं। वो किसी और के लिए पैसा लेकर ये काम कर रहे थे। आरपीएफ पुलिस के मुताबिक इतने पैसे से चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन पकड़ाए गए आरोपियों के पास बनारस से मुंबई तक का टिकट होना पाया गया है। इन लोगों की तलाश DRI टीम को भी दी थी, इसलिए आगे की जांच के लिए इन्हें DRI टीम के हवाले कर दिया गया है। एक अच्छी कार्रवाई भी बोल सकते हैं हम इसको। एक ट्रेन है महानगरी, उसमें सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध व्यक्ति कुछ संदिग्ध सामान लेके जा रहे हैं। जब सूचना मिलने पर हमने लोगों ने एक टीम बनाकर उस ट्रेन को चेक किया और उसमें एसी कोच को चेक किया गया। एसी कोच से दो संदिग्ध व्यक्ति को ढूंढ निकाला और उनके दो बैग भी लेके हम लेके आए। इस दौरान DRI की जो टीम थी भोपाल की, वो भी संदिग्ध व्यक्ति को ढूंढ रही थी। हमारी कार्रवाई में और उनकी कार्रवाई दोनों ने मिलकर किया और संदिग्ध व्यक्ति को लेके आए और यहाँ से आके बैग को चेक किया तो उसमें से बैग में से 3,20,00,000 रुपए का उसमें राशि मिली। और इस बारे में जब आरोपियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो बनारस से लेकर सामान, ये अपना जो कैश था उठाया था और ये मुंबई लेके जा रहे थे। तो हम चुनाव में भी यूज हो सकता है कि पैसा तो किस तरह भी कहीं भी यूज हो सकता है। पैसा एक ऐसी मुद्रा होती है जो कहीं भी यूज हो सकता है, लेकिन ये एक जाँच का विषय है। और अगर हम उसके टिकट और यात्रा को देखे थे तो वो मुंबई जाना था, तो वो भी एंगल देखा जा रहा है। कार्रवाई जारी है। हाँ, अभी कार्रवाई दोनों अरेस्ट हो गए हैं और कार्रवाई जारी है।